तो ये घर है गोल्ड शिवा फैमिली का, वो इस घर में रहते हैं। ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ब्लू लिटिल सिंघम की फैमिली यहाँ पर काम करती है। आओ सबसे मिलवाते हैं। ये है पापा गोल्डन शिवा और ये है गोल्डन शिवा और ये है गोल्ड बेबी शिवा। और अब आपको मिलवाता हूँ हमारी ब्लू लिटिल सिंघम फैमिली से जो की इनके यहाँ पे काम करती है। ये है ब्लू लिटिल सिंघम पापा। जल्दी जल्दी काम करो वरना खाना नहीं मिलेगा। और ये है ब्लू लिटिल सिंघम जो की अभी गार्डन की देखभाल कर रहा है। और ये हूँ मैं बेबी लिटिल सिंघम। मैं बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा काम करने नहीं पड़ते। और यहाँ पे देख सकते हो ये बेबी शिवा जो यहाँ पे बहुत सारे बर्गर खा रहे हैं, इनमें से एक बर्गर मुझे भी दे दो। तुमको कोई बर्गर नहीं मिलेगा, तुम गरीब हो, गरीब लोगों के लिए बर्गर नहीं होता। अरे प्लीज 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 सिर्फ एक दे दो। रुक जाओ यहाँ से, कोई बर्गर नहीं मिलेगा। अरे भैया भैया मुझे बर्गर खाना है। तुझे मैं बर्गर जरूर खिलाऊंगा, बस ये काम खत्म करने दे दे। अरे कितना धीरे धीरे काम करोगे, अभी बहुत सारी गाड़ियाँ साफ करनी है। और ये क्या, मेरी गाड़ी में स्क्रैच मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सॉरी सॉरी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं तुझे नहीं चढ़ूंगा। ये ले। अरे मुझे माफ कर दो। अरे ये गोल्डन पापा शिवा क्या कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या चल रहा है, मेरे पापा को मारा, ये ले। ए, तुम लड़ाई करोगे, तुम गरीब लोग हमसे नहीं लड़ सकते। ये लो। मारो पापा इसको, मारो इन सारे लिटिल सिंघम को, मारो मारो। एक तो हम तुमको काम पर रखते हैं और तुम हमसे लड़ोगे। ये लो। अरे लड़ाई मत करो। ए बच्चे साइड हो जा वरना तुझे ही मारूंगा। अरे इन्होंने तो मेरी पूरी फैमिली को बेहोश कर दिया। इस बार तो सिर्फ बेहोश किया है, अगली बार अगर पंगा लिया ना तो सबको मार देंगे, पूरी फैमिली खत्म कर देंगे। अरे उठ जाओ भैया पापा उठ जाओ। क्या करूं अंकल प्लीज हमारी मदद करो। हम क्यों तुम्हारी मदद करें, हम है गोल्डन शिवा और तुम हो गरीब लिटिल सिंघम। अरे अंकल प्लीज हॉस्पिटल में फोन कर दो। क्या हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल इन गरीब लोगों को नहीं लेगा, इनको बाहर फेंक दे जाके। अंकल ऐसा मत बोलो। अरे ये यहाँ पे क्या हो रहा है। आज मेरा बेटा गोल्डन शिवा अपग्रेड होने वाला है खतरनाक शिवा में। क्यों ऐसा भी होता है क्या। हाँ बच्चे गरीब लोगों को नहीं पता होता, ये देख अभी अपग्रेड होने वाला है खतरनाक शिवा में। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या, ये तो बहुत ही खतरनाक गोल्डन शिवा बन चुका है। पापा ये देखो मैं तो उड़ने लग गया, अब मैं गोल्डन शिवा का नाम और रोशन करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अंकल मेरी बात सुनो ना, मुझे भी इस ट्रेडमिल में भाग दो ना, मुझे भी अपग्रेड होना है। नहीं बच्चे ये ट्रेडमिल सिर्फ अमीरों के लिए है, ना कि तेरी तरह गरीबों के लिए। अरे मैं सिर्फ 2 मिनट भागूंगा, थोड़ा सा अपग्रेड होगा। बोला नहीं। अरे करने दो ना, हमारे ऊपर चलेगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। ये ले छोड़ दिया। बचा बड़ा लिटिल सिंघम गरीब फैमिली का, इसके दोनों फैमिली मेंबर्स को मैंने हमें जेल में बंदी बना लिया, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। एक दिन मेरा बेटा जरूर आएगा बचाने मुझे। हाँ सपने में जरूर आएगा। अब चुपचाप जेल में बैठे रहो, अभी मैं इस ट्रेडमिल पर और भागूंगा, फिर होऊंगा और भी खतरनाक लेवल में अपग्रेड। भागो। अब हमारी गोल्डन शिवा फैमिली को कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं बन चुका हूँ खतरनाक गोल्ड शिवा टाइटन। बहुत बढ़िया बच्चे, तूने गोल्डन शिवा फैमिली का नाम रोशन कर दिया। मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर रहा, मुझे बचाओ। लग गई, कहाँ फेंक दिया मुझे, अब मैं क्या करूँगा, मेरी फैमिली वालों को कैसे बचाऊंगा। कोई दिक्कत है क्या मेरे बच्चे। अरे ये कौन है, टॉयलेट में फंसा हुआ है। बच्चे मैं टॉयलेट में फंसा नहीं हूँ, मैंने ये कमाया है। क्या टॉयलेट कमाया। नहीं बच्चे, मैं इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेडमिल पर दौड़ा, इतना खतरनाक ट्रेडमिल पर दौड़ा कि मैं ऐसा बन चुका हूँ, अब मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। क्या ट्रेडमिल पर। अरे अंकल मुझे भी ट्रेडमिल चाहिए, प्लीज मुझे ट्रेडमिल दिला दो टॉयलेट वाले अंकल। बच्चे मेरा नाम हल्क है, टॉयलेट वाले अंकल नहीं। अरे अंकल जो भी नाम है प्लीज मुझे ट्रेडमिल दिला दो। बच्चे अब ट्रेडमिल लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिल्वर ट्रेडमिल है दमदम टाइटन के पास, गोल्डन ट्रेडमिल है सैंड टाइटन के पास और डायमंड ट्रेडमिल है स्टार टाइटन के पास। अंकल अगर ये तीनों ट्रेडमिल मुझे मिल जाए तो क्या मैं भी अपग्रेड हो सकता हूँ। बच्चे तू क्या, एक कुत्ता भी बिल्ली में अपग्रेड हो सकता है और एक बिल्ली कुत्ते में भी। अरे अंकल सीधी सीधी भाषा में बोलो ना। मेरा मतलब है बच्चे तू अपग्रेड हो सकता है अगर तू तीनों ट्रेडमिल ला दे तो, पर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अंकल वो आप टेंशन मत लो, वो मैं आपको ला के देता हूँ, आप मुझे अपग्रेड करना।
A few moments later. अंकल मुझे तीनों ट्रेडमिल मिल गए। बच्चे ये कैसे हो सकता है, आखिरी बार मैंने इन तीनों ट्रेडमिल को साथ में 10 साल पहले देखा था और तू इतनी जल्दी ले आया। अरे अंकल हमें तभी खास नहीं। बच्चे ये सब कैसे किया मुझे बताओ। कैसे किया उसके लिए हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। तो अभी हमें दम दम टाइटन दिख चुका है सामने, वो लेटा हुआ है पानी के ऊपर, लगता है वो पानी के ऊपर मजे कर रहे हैं। और उसको पता चला कि हम उसका सिल्वर ट्रेडमिल चुराना है, तो मुझे लगता है वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं वाला है, पर लगता है ये सो रहा है। मैं इसके यहाँ पे ऊपर तो आ चुका हूँ, सामने इसकी मुंडी है और इसके सर के ऊपर वो पड़ा है सिल्वर ट्रेडमिल। अभी हम इसके नाक के यहाँ पे चल रहे हैं, इसकी आंखें देखो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और गाइस हम उस ट्रेडमिल तक पहुंच गए और ये रहा वो ट्रेडमिल। तो यही ट्रेडमिल हमें चाहिए था जिसका नाम है सिल्वर ट्रेडमिल, जिससे हम हो सकते हैं अपग्रेड। पर हमको चाहिए 3 ट्रेडमिल, उसमें से सिर्फ ये एक ही है। तो फटाफट से इसको लेके यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले कि दम दम टाइटन उठ जाए और चलते हैं अगले टाइटन की तरफ। बच्चे तू मेरा ट्रेडमिल कभी नहीं ले जा पाएगा। अंकल प्लीज दे दो, 10 मिनट में वापस ला के दूंगा। नहीं बच्चे मैं किसी को भी नहीं दे सकता, और गरीब ब्लू लिटिल सैंगम फैमिली वालों को तो बिल्कुल नहीं। क्या इसने मुझे गरीब बोला, अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। रुको मुझे कुछ सोचने दो। गाइस सर मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है, यहाँ पे है वाटर टैंक और ये है सैंड टाइटन। आपको बताइए अगर सैंड से वाटर मिलेगा तो क्या होगा, कीचड़ होगा। तो गाइस फटाफट से इसके ऊपर हम मारने वाले वाटर। अरे ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ। आज ब्लू है पानी पानी पानी, मैं हार मानता हूँ। तो गाइस सर अभी हमने सैंड टाइटन को पूरा पिघला दिया, वो इतना सा बचा है और हमें सामने ट्रेडमिल दिख चुका है जो कि है गोल्डन ट्रेडमिल। तो गाइस सर हमें आखिरकार गोल्डन ट्रेडमिल भी मिल चुका है, अब बस डायमंड ट्रेडमिल बाकी है, उसको भी फटाफट से चलते लेते स्टार टाइटन से। और स्टार टाइटन हमें मिलने वाला है हवा में। तो गाइस सर पूरा का पूरा आसमान छानने के बाद हमें मिल चुका है स्टार टाइटन। बस एक छोटी सी दिक्कत है, जो हम ट्रेडमिल ढूंढना है ना वो उसके मुंह के अंदर है, पता नहीं क्यों ये ट्रेडमिल खा चुका है। तो हमें इसके मुंह के अंदर जाना पड़ेगा उस ट्रेडमिल को निकालने के लिए, वो कैसे निकालेंगे बिल्कुल भी पता। और मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके आ चुका हूँ, लगता है इसे हेलीकॉप्टर को उसके मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, आज तक जितने भी लोगों ने उस ट्रेडमिल को पाने की कोशिश करी है वो मर गए। अरे कैसे नहीं, तो मेरे को डरा रहा फालतू में, मैं डरता नहीं तुमसे। अब डरोगे अब मरोगे, आओ मेरे मुंह के अंदर। अरे कैसे नहीं, तो मुंह के अंदर हमें बुला रहा है, चलो फटाफट इसके मुंह के अंदर चलते हैं, वो भी इस हेलीकॉप्टर को लेके। तुम मेरे मुंह के अंदर आ चुकी हो, अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। चलो गाइस अभी मैं इसके मुंह के अंदर तो आ चुका हूँ और मुझे वो ट्रेडमिल भी मिल चुका है, डायमंड ट्रेडमिल, बस इसी का मुझे वेट था। तो गाइस आखिरकार हमें तीनों ट्रेडमिल मिल चुके हैं, हमारा सारा काम हो चुका है, बस एक काम बाकी है यहाँ से निकलने का। वो कभी नहीं हो पाएगा, निकल जाओ यहाँ से। रुको रुको मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसके मुंह के अंदर आग लगाने वाला हूँ। ये क्या कर रहे हो, मेरे मुंह में आग मत लगाओ, गरम गरम। अरे गाइस अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, अब हम इसके मुंह से बाहर निकलने वाले। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा मुंह चल गया, मेरी जीभ चल गई, मेरे दांत चल गए, ये क्या हो रहा है, गरम 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 गरम। और काइजर हम निकल चुके हैं उसके मुंह से बाहर, तीनों ट्रेडमिल हमें मिल चुके हैं। एक सेकंड मैं तो नीचे गिर रहा हूँ, नहीं 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 मुझे मरना नहीं है, अभी तो मेरा अपग्रेड होना बाकी है। आपको क्या लगा मैं मर जाऊंगा, नहीं 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 इतनी जल्दी नहीं, अभी शिवा की फैमिली से बदला लेना। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी इन ट्रेडमिल को मिला दे और बना दे अल्टीमेट ट्रेडमिल। ओके अंकल। चलो गाइस सर हमारा अल्टीमेट ट्रेडमिल बिल्कुल तैयार है, फटाफट से इसके ऊपर चलते हैं और भागते हैं। भाग मेरे बच्चे भाग, भाग मेरे को भाग, भागो भागो, ये लिटिल सिंगम गोल्डन शिवा की फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, भागो 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 भागो। बहुत बढ़िया बच्चे, तू बन चुका है खतरनाक ब्लू लिटिल सिंगम। अरे गाइस इस टॉयलेट हेल्प की वजह से मैं बन चुका हूँ खतरनाक सा लिटिल सिंगम, अब मैं अपनी फैमिली को बचा लूंगा। अभी मैं आ चुका हूँ गोल्डन शिवा वालों के घर पे, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आ गया लिटिल सिंगम। अरे ये कहाँ से आ गया, कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी सारी गाड़ियां तबाह कर दूंगा, तुम्हारा घर तबाह कर दूंगा, सबको मारूंगा, हट जाओ, हमारी फैमिली वालों को परेशान करोगे, हम पे राज चलाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया बच्चे, इनको भी खोल देते हैं। पापा पापा मैंने बोला था ना हमारा छोटा भाई हमें बचा करेगा,
हाँ बच्चे, हमारे बच्चे ने हमको बचा लिया। अभी तो मेरा छोटा भाई घर पर नहीं था इसलिए ये बच गया, पर अगली बार ये नहीं बचेगा। अभी तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा वरना गोल्डन शिवा की फैमिली खत्म हो जाएगी। भागो। तो काइसन, अभी हम जीत चुके हैं, हमने गोल्डन शिवा की फैमिली को हरा दिया और हम बन चुके खतरनाक ब्लू लिटिल सिंघम फैमिली। और मैं भी कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। तो काइसन अच्छी बड़ी सी बीतते, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगे वीडियो, फटाफट से कमेंट करके बताओ। और कैसा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जरा फॉलो कर लेना। और कैसा हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।